खा जाऊंगा। नहीं मुझे मत खाओ। खा जाऊंगा। ये आपको क्या हो गया है? लगता है पुनः बाल अवस्था में चले गए। दिन भर खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो अभ्यास कर रहा था। वो क्या है कि जब अपनी संतान होगी तब उसे भी तो खिलौनों से खिलाना है ना। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। कोतवाल महाशय, दरबार महाशय, आप दोनों यहाँ? महाराज ने बुलावा भेजा है क्या? नहीं पंडित रामकृष्ण जी, आपको महाराज कैसे बुला सकते हैं? महाराज ने ही तो आपको अवकाश का आदेश दिया था, और आपको तो पता है महाराज का आदेश पत्थर की लकीर होती है। अवकाश? महाराज और उनकी दोनों रानियों ने पंडित रामकृष्ण और आपके लिए उपहार भेजे हैं। अवकाश और फिर ये उपहार? पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के गोद भराई की तिथि और समय निश्चित कर दिया गया है, जो कल ही। वरुण माला, वरुण माला। जी स्वामी, क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है प्रभु, जिसकी वजह से आप इतने उदास प्रतीत हो रहे हैं? क्या बताएं वरुण माला, वो जो जंगल का राजा होता है ना, जो जंगल में शिकार खाता है, यदि उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उसे ये कहा जाए कि ये घास खानी है, तो उसका जो हाल होगा वही हमारा हाल है। परंतु क्या करें, प्रयास तो करना होगा। मामी, आपकी पहेलियां तो हमें समझ ही नहीं आती। आप घास छोड़िए, ये लीजिए, आप इडली खाइए। अरे वरुण माला, ये इडली छोड़ो, इडली नहीं, आज तो बिजली गिरेगी। बिजली? लड़ाई आने वाली। कहाँ, कैसे? यहाँ, हमारे हृदय में। वाह प्रभु, आपकी शक्ति अपार है, आपने प्रलय अपने हृदय में ही ले लिया, संपूर्ण संसार को बचाने के लिए। नहीं वरुण माला, इस समय तो हमें स्वयं को बचाना होगा। आओ बेटी, यहाँ नहीं। परंतु हमारा स्थान तो आपके चरणों में ही है स्वामी। तो स्थान बदलो, चरणों में नहीं, हमारे हृदय में स्थान बनाओ। परंतु स्वामी, आपके हृदय में तो प्रलय है। हाँ है, प्रलय है। आज हम मिलकर प्रलय लाएंगे, प्रलय को प्रलय से टकराने दो, तभी शांति मिलेगी। जैसे लोहा लोहे को काटता है। तो हमें क्या करना होगा स्वामी? हम प्रेमलाप करेंगे। क्यों नहीं प्रभु, हम ईश्वर के भजन गाएंगे, भक्ति करेंगे, कीर्तन करेंगे, और इस प्रकार से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को हम प्रकट करने का प्रयास करेंगे। वरुण, वरुण माला, ईश्वर को विश्राम करने दो, और हमारे लिए अपना प्रेम प्रकट करो। जो आज्ञा प्रभु, हम अभी आपकी आरती उतारते हैं। मेरे वरुण माला, रुकिए 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 रुकिए, हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं जिसके कारण हम दोनों के बीच में तीसरा आएगा। समझी? आप ये क्या सोच रहे हैं? वरुण माला, अब सोचने का समय नहीं है, मिलन का समय है। आओ, आओ और हमारी बाहों में समा जाओ। आओ, 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 आओ। ये लीजिए, प्रेम के आरंभ होने से पहले ही इसका अंत हो गया। गोद भराई? किसकी गोद भराई हो रही है, महारानी चिन्ना देवी की या महारानी तिरुमलम्मा की? लेकिन मुझे तो सूचित किया गया था कि शारदा देवी आपकी गोद भराई है, देखिए तभी तो सारे उपहार आपके यहाँ आ रहे हैं ना। हमारी गोद भराई? नहीं नहीं, ये गलत है।
बहुत गलत है। अब देखिए ना, मेरे नौ बच्चे हो गए लेकिन आज तक मुझे एक भी उपहार नहीं मिला। अब इतने सारे उपहार, ये सारे उपहार हमारे लिए है, पर हम तो देखिए एक काम कीजिए, अगर ये उपहार आपको ज्यादा लग रहे हैं तो एक दो उसमें से मुझे दे दीजिए। मैं मेरी पत्नी धर्मपत्नी खुश हो जाएगी, हो सकता है आने वाले विवाद के लिए मुझे क्षमा कर दे। हाँ हाँ ले जाइए, परंतु गोपाल जी, शारदा देवी जी, जिस स्त्री का हृदय विशाल होता है ना, वो एक अच्छी माँ सिद्ध होती है, और आपके अंदर तो एक अच्छे माँ के सारे गुण विद्यमान है। रख दो, रख दो भाई। अच्छा शारदा जी, नमस्ते। नमस्कार, चलते हैं। आई ये राजमहल से उपहार क्यों आए हैं? क्योंकि तुम्हारी गोद भराई राजमहल में है, तो उपहार भी तो वहीं से आएंगे ना। हमारी गोद भराई कैसे हो सकती है? वो बहुत हो गया शारदा, अब और नहीं। मंच का पर्दा गिरने के बाद अभिनेता अभिनय नहीं करता। पर्दा गिराओ नहीं, उठा लो, इस रहस्य से पर्दा उठा लो। ये सब क्या हो रहा है? ओफो, तुम अपने मुख से तो कुछ बताओगी नहीं, मैं ही कह देता हूँ। तुम पेट से हो, माँ बनने वाली हो, तो गोद भराई तो होगी ना। हम पेट से हैं और हमें नहीं पता। रामा, हम शारदा हैं, किसी और की बात भी हमारे पेट में नहीं रुकती, तो हमारी इतनी बड़ी बात हमें कैसे हजम होगी? परंतु यदि ऐसा होता तो हम आपको ये बात बता बता के अपने कान में लाल कर देते। हाँ वो तो है, किंतु अम्मा ने कहा था कि जब वो वरलक्ष्मी आई थी तो तब। हाँ वरलक्ष्मी आई थी, परंतु हमें ये बताने के लिए कि वो गर्भवती है। अम्मा ने ये बात सुन ली और अम्मा को लगा कि हम गर्भवती हैं। हाँ हे भगवान, कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। वाह गुरुजी, बड़े अच्छे से पुष्प सजाए हैं आपने, अब इसे सुगंधित धूप से महका भी दीजिए। अच्छा ये लीजिए गुरुजी, इत्र। हाँ इसे लगा लीजिए, इसे लगाने के बाद आपके पास किसी को आने में संकोच नहीं होगी। सुगंध है। आह मनीचारे, कहाँ से लाई? बस आपके लिए आपके धनी मनी ले आए। वो क्या है, जैसे ही मुंह धोने लगी हम चुपके से उठा के ले आए। गुरुजी इसके विषय में बात कर रहे हो? गुरुजी सुदामिनी देवी, जब सुदामिनी देवी इस इत्र को लगाती है, आप कैसे कैसे आप है? चुप, हमें सब ज्ञात है। जाओ जाओ जाओ, वरुणा लाती होगी। तेरे बाहर खड़ा है जोगी, जो है तेरी रुकी। वाह, बिना शब्दों के ही प्रेम की भाषा को समझ गई प्रिय। जी स्वामी। ये देखो सेज पर बिछे पुष्प, सुगंधित धूप पत्ती और हमारे लगाए हुए इत्र की अनुभूति, ऐसा प्रतीत होता है इन्हें भी इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। स्वामी आपका मन आतुर है, मन की में इच्छाएं भी पराकाष्ठा पर हैं। हाँ हमारी अर्धांगिनी, बस और प्रशंसा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम स्वयं से रुष्ट हो जाएं कि हमने पूर्व में ऐसा वातावरण क्यों नहीं तैयार किया। बस बस स्वामी, अब आप और विलंब मत कीजिए। क्या तपस्या? आप अपनी तपस्या आरंभ करिए स्वामी, हम किसी को भी विघ्न नहीं डालने देंगे। वरुण माला, देखो समझो ये प्रेम क्या होता है। एक स्त्री और पुरुष का मिलन प्रेम होता है। स्वामी हमारा तो प्रतिदिन मिलन होता है, एक दिन में जाने कितनी कितनी बार हम मिलते हैं।
हाँ त्रुटि तो हमारी, हमने तुम्हें सिखाया ही नहीं मिलन क्या होता है, तुम सीखती कैसे? अब हम तुम्हें सिखाएंगे। आओ 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 बैठो 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 बैठो। बोलो अम्मा, ये सब तो राजकीय उपहार लग रहे हैं। अंत में तेरा भेद खुल ही गया। इस घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। तूने माँ बनकर मुझे दादी, रामा को पिता और मुझे ताता बनाने वाली हो। अम्मा, इतने सारे लड्डू, ये किसी के लिए नहीं है, इन्हें तो मैं भी नहीं खाऊंगी, ये केवल मेरी शारदा के लिए है। अम्मा, आपको गलतफहमी हो रही है। अम्मा, शारदा का कहने का मतलब है कि गलतफहमी है कि शारदा इतने लड्डू खा सकती है, इसका पेट खराब हो जाएगा ना। नहीं नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि गोद भराई के लिए पेट से होना पड़ता है। और वो तुम हो, वो तो तुम हो, इसीलिए तो इतने सारे लड्डू नहीं खा सकती ना। अब तुम्हें काम करो, मत खाओ। क्यों अम्मा? अरे मैं तो कहता हूँ, इस स्थिति में तुम बोलो ही नहीं, चुप रहो। क्यों अम्मा? हाँ पर अरे और तो और, कल जो राजमहल में गोद भराई है उस विषय में सोचो, है बोलो ही मत। हाँ मैंने कहा ना, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, मत बोलो। प्रभु, भक्तों को समझाइए कि आखिर ये आप कर क्या रहे हैं। जिस कार्य को करने में कठिनाई हो वो कार्य ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए मेरे शिष्यों। जाप करने से आप बाप नहीं बनने वाले गुरुजी। गुरुजी, बड़े ही ज्ञान की बात कहता हूँ, ध्यान से सुनना। जब कोई गुरु किसी शिष्य से कोई बात कहता है ना, तो उसके पीछे गुरु का व्यक्तिगत अनुभव ही छुपा होता है। किंतु जब कोई शिष्य किसी गुरु से कोई बात कहता है, तो उसके पीछे संपूर्ण विश्व का ज्ञान, संपूर्ण विश्व का अनुभव छुपा होता है गुरुजी। सत्य वचन। गुरुजी, बात ऐसी है, जाप करके आज तक तो ना कोई फसल पैदा हुई है और ना ही कोई संतान। यदि आपको बाप बनना है ना, तो आपको गुरु माता को रिझाना होगा और असंभव को संभव करना होगा। तो देखिए कैसे बनते हैं अब बाप। अब देखना, हम नैनों से ऐसे बाण चलाएंगे जिनमें उलझकर वरुण माला हमारी बाहों के अतिरिक्त कहीं और गिर ही नहीं पाएगी। हम बाप बनेंगे, हम बाप बनेंगे। मनी मनी, अपने गुरुजी कहाँ गायब हो गए? लगता है बाप बनने गए। हे भोलेनाथ, हमारे स्वामी पर जो काला साया है, जो सारे काले विचार उनके मन में आ रहे हैं, उन्हें काले कुएं में धकेल दो प्रभु। प्रिय जी स्वामी। पहले तो उन्होंने अपने विचार ही बदले थे, परंतु अपना रूप ही बदल दिया। अब तो पूरी करो अभिलाषा, समझो हृदय की परिभाषा, ओ कामिनी कामिनी। कामिनी? कौन कामिनी स्वामी? ये कौन है जिसे हम देख भी नहीं पा रहे और आप ही की बातें की जा रही है? हम आप ही को पुकार रहे हैं। आप ही हो कामिनी, मनमोहिनी। यदि आप आदेश करें तो हम प्रेम का आरंभ करें। स्वामी, क्या ये आपके वाला अर्थात नया वाला प्रेम है क्या?
ये क्या हो गया इसको? धनी जी गुरुजी, जी गुरुजी। ये देखिए, हे भगवान, सौदामिनी को बुलाकर इसके पास आते हैं, जैसे तैसे साथ जुटाकर प्रेम करने को जाते हैं, हम इसकी ओर आकर्षित होते हैं, ये मूर्छित हो जाती, बात नहीं बन पाती, अब इसके साथ तो बात बनेगी भी नहीं, तो क्या करें? गुरुजी, या तो धैर्य का साथ देते रहें, या फिर पंडित रामाकृष्ण के पास जो उपाय है वो उनसे पूछ लें, क्योंकि ये तो रहस्य की बात है कि कल ही गोद भराई की घोषणा हुई और पंडित रामाकृष्ण बाप बन गए, आपको उनसे ये रहस्य जानना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा, अर्थात आपका काम बनेगा। अरे वाह, हमारे प्रिय शिष्य, ऐसे ही सूचनाओं की गुरु दक्षिणा देते रहा करो। मूर्खो, पहले नहीं बता सकते थे, है? हमारा समय नष्ट करवा दिया, वो भी इस परंपरा की। सौदामिनी, रामा, पूरे विजयनगर में प्रचार करने से पहले एक बार सच्चाई का पता तो लगा लेते, कितनी बड़ी गलती कर दी। वाह, मेरी गलती दिख रही है, अपने लक्षण नहीं दिखाई दिए। बताओ, कच्चे आम किसने खाए? हमने। इमली किसने खाई? हमने। वो वरलक्ष्मी से बातें कौन कर रहा था? हम कर रहे थे। तो इतनी सारी बातें सुनकर मैं तो क्या, किसी भी भूत को लगेगा कि तुम पेट से हो। अपनी गलती मेरे मुख पर मरकर अपना मुख साफ बता रही हो, और तो और कह रही हो कि गर्भवती भी नहीं हो। अम्मा सही कह रही, जब गलती हो रही होती है तब आप चुप रहते हैं, और जब गलती हो जाती है तो दोष निकाल कर अपनी निपुणता दिखाते। मैंने पूछने का बहुत प्रयास किया था, यहाँ तक कि पूछने के लिए दरबार से अवकाश भी ले लिया। अम्मा जो ढोल बजा रही थी उसे बिना सुने उस पर नाच रहे थे, अरे साफ साफ पूछा होता तो हम आपको बता देते ना कि हम पेट से नहीं है। शिव 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 शिव, अर्थात शारदा गर्भवती नहीं है, तो ये गोद भराई नहीं झूठ की भराई है, ये प्रपंच था पंडित रामा कृष्णा का। चलिए अब चलकर अम्मा को सब कुछ बता दे। नहीं, अम्मा को नहीं बता सकते, कदापि नहीं बता सकते। अरे झूठ पर केवल कुछ समय के लिए पत्ता डाल सकते, सदैव के लिए नहीं, जब अम्मा को पता चल जाएगा तब हम क्या करेंगे? तब का तब देखेंगे, अम्मा के मुख पर इतनी प्रसन्नता मैंने पहले कभी नहीं देखी, उनसे कहेंगे कि सब गलत फहमी था, सब झूठ था, तो कदाचित ये आघात वो सहन ना कर पाए। और महाराज, वो अब तक अंधेरे में है। ईश्वर, एक तरफ अम्मा का स्नेह, दूसरी तरफ महाराज का विश्वास, मैं एक ऐसी तलवार पर चल रहा हूँ जो दोनों तरफ से धारदार है, और मेरे पास ढाल कोई है नहीं। रामा, अब ये सोचो कि हम गोद भराई कैसे रोके। नहीं नहीं, हम ना कुछ रोकेंगे ना ही रुकने देंगे, रुकने का मतलब है अम्मा को पता चल जाना। तो क्या हम झूठी गोद भराई करवाएंगे? आपका मान सम्मान सब कुछ दांव पर होगा, अगर सबको सच पता चल गया तो पूरे विजयनगर में आप सबसे बड़े झूठे साबित हो जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, किंतु इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। सिर्फ हो तो बहुत कुछ चुका है, बस उन्हें कुछ पता मत चलने देना। किन्हें? ये विजयनगर में एक ही तो है, झूठे कपटी खूसर, अरे वही, अगर उन्हें पता चल गया ना तो आपका दरबार में जाना वर्जित करवा देंगे। किसकी बातें कर रही हो? गुरु तथाचार्य। कौन है, कौन बोला? पंडित रामाकृष्ण, अब तो तू फंसा। पंडित रामाकृष्ण, अब हम करेंगे तेरी गोद भराई दरबार में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.